नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कोरोना एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ में। आज हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय, जिसमें उनकी साहित्यिक विधा में जो उनकी लेखनी चली है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी, इनको मुंशी का टाइटल दिया गया था। दरअसल हंस करके एक पत्रिका थी, तो उसमें मुंशी शब्द है, वहाँ से इनके साथ में जुड़ा है। ये कहते हैं कि साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, पत्थर ईंटों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। यानी आप साहित्य से जुड़ते हैं तो साहित्य आपको हर जगह अर्थात सर्वत्र आत्मा का दर्शन कराता है, चाहे वो ईंट पत्थर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो व्यक्ति हो। ये कला, ये जादू, ये रस केवल साहित्य में है। तो चलते हैं इनके ऊपर कि इनका मूल नाम धनपत राय था, और याद रखिएगा कि शुरुआत में इन्होंने रचनाएं उर्दू में लिखी थी। मूल नाम इनका धनपत राय था और इनका जन्म सन 1880 जुलाई महीने की बात है, जुलाई 1880 लम्ही ग्राम में हुआ, और लम्ही ग्राम उत्तर प्रदेश में है। प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश एक वह जगह है जहाँ पर साहित्य के बहुत ही विरले कवि हमारे सामने आए हैं, और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि। रंगभूमि आप देखेंगे कि सूरदास करके व्यक्ति है जिसकी झोपड़ी उजाड़ दी जाती है, वही वाला ये उपन्यास है। निर्मला, कायाकल्प, गबन, गबन आपके बीए सेकेंड ईयर में भी लगा हुआ है, कर्मभूमि, गोदान। गोदान हिंदी वर्ग के प्रत्येक पाठों को पढ़ना चाहिए, 1935 की इनकी रचना है, और गबन 1931 के आसपास में लिखा गया। ये उनके उपन्यास हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका अधूरा एक उपन्यास है मंगलसूत्र, जब वो लिख रहे थे तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, सोजे वतन ये कहानी संग्रह अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई रचना है। इसमें कुल 5 ऐसी कहानियाँ थी जिसको जब्त कर लिया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि देश विरोधी कहानी संग्रह है। मानसरोवर 8 खंड में, और मानसरोवर करके 8 किताबें लिखी, और उसमें ये कहानियों का संग्रह है, और गुप्तधन ये भी इनका कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी ये इनके नाटक हैं। कुछ विचार, विविध प्रसंग ये इनके निबंध संग्रह हैं। इनकी मृत्यु 1937 में हुई। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था, जो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, पर आप इस बात को दिमाग में रखना कि इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। शिखर का मतलब वह भाग जो सबसे ऊंचा हो, तो कथा साहित्य में इनके जैसा न तो कोई हुआ है, शायद न कोई हो पाएगा, भूतो न भविष्यति। जिस प्रकार से आप भारतेंदु युग में देखते हैं कि भारतेंदु जी के जो नाटक है वो बहुत ही उम्दा है, उसी प्रकार इनकी कहानियाँ हिंदी साहित्य में बहुत ही उम्दा कहानियां हैं। और अगर रोचक कहानियों की बात की जाए तो पंचतंत्र है, वर्ल्ड की सबसे प्रसिद्ध रचना, बाइबल के बाद में दूसरे नंबर पर पढ़ी जाने वाली किताब है पंचतंत्र, जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की। कुछ बातें आप साथ में जोड़ते चलिए। कथा साहित्य के शिखर पुरुष का बचपन अभावों में बीता। अभाव में अ है वो उपसर्ग हो जाएगा, भाव मूल शब्द है। स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स करना चाहते थे, लेकिन जीवनायापन, जीवन धन यापन, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी, जीवनायापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा। अब मेरी बात सुनिए, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 के आसपास में हुआ, जिसको 12 फरवरी 1922 में स्थगित कर दिया गया बारदोली से महात्मा गांधी द्वारा। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे। उनके जीवन का राजनीति एक प्रत्यय से राजनीतिक बना है। राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था।
अब यहाँ पे दो बातें आती, एक तो है यथार्थ और एक है आदर्श। यथार्थ किसको कहेंगे? यथार्थ का मतलब होता है कि जैसे कोई परिस्थिति है, मैं एक आपको बात बताता हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये एक आदर्श बात है, केवल क्या है, आदर्श बात। और मैं स्वयं झूठ नहीं बोलता हूँ और आपके सामने अगर एग्जाम्पल देता हूँ तो वो यथार्थ है। यथार्थ इन वास्तविकता, आदर्श केवल मूल्य होते हैं, उसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा का विकास जो है उसका काल विभाजन प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग। पूर्व का मतलब था पहले, उत्तर का मतलब था बाद में, ये तीन युग चले हैं प्रेमचंद जी को रख करके, किसके लिए, स्पेशल कहानियों को लेकर के। जिस प्रकार से नाटक के लिए जयशंकर प्रसाद जी को मध्य में रख किया जाता है, ये प्रेमचंद के निर्विवाद, निर्धन विवाद, निर्विवाद महत्व का स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद ही पहले रचनाकार है जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधले के से निकाल कर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। अब यहाँ पे एक शब्द आया रोमानियत और कल्पना। कल्पना का मतलब होता है जहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे मैं अगर ऐसा होता तो क्या करता, मैं यूं होता तो क्या होता, ये तो आपकी कल्पना है। और रोमानियत का मतलब होता है मौज मस्ती, इसको कह सकते हैं, जिस प्रकार से उम्र ख्याल की रुबाइयों का जो प्रभाव हरिवंश राय बच्चन के ऊपर है उसी प्रकार से। तो वहाँ से निकाल कर इन्होंने ठोस ज़मीन पर प्रतिष्ठापित किया। आपने कहानी पढ़ी होगी पंच परमेश्वर, यथार्थ की जमीन से जुड़कर कहानी किस्सा गोई तक सीमित नहीं रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी जुड़ी। किस्सा गोई का मतलब होता है एक बात और ठीक है हंसी मजाक के साथ में उसको टाल दी, वो नहीं, पढ़ने पढ़ाने की परंपरा में भी इनकी कहानियों को स्थान दिया गया। इसमें उनकी हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिश्रित, हिंदुस्तानी का मतलब है हिंदी और उर्दू दोनों का पुट होगा, भाषा का विशेष योगदान रहा। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बौर जातीय स्वरूप के साथ आई है। उनका प्रारंभ आरंभिक आरंभ धन इक, तो आरंभ इसमें मूल शब्द हो जाएगा और इक है इसमें प्रत्यय हो जाएगा। कथा साहित्य कल्पना संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना हुआ है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में सामने आए। दूत का मतलब था संदेशवाहक, अग्र का मतलब था आगे, अग्र का विलोम शब्द हो जाएगा पक्ष, उसी प्रकार से अग्रदूत बन के ये सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख, आदर्श धन उन्मुख, अ और उ मिलकर के गुण संधि का निर्माण हो रहा है। यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। अब प्यारे विद्यार्थियों, आलोचनात्मक का मतलब हो जाएगा किसी बात की अच्छाई और बुराई दोनों को देखना, वो चीज़ें इन्होंने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। संज्ञा का मतलब नाम, जैसे किसी प्राणी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम। ये कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती हैं जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर विरोधों को अंतत एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुँचा देती है। मनोवांछित का मतलब होगा मन से चाहा हुआ, कटु का मतलब हो जाएगा जो कड़वा है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, आपने पढ़ा होगा कहानी 9th के अंतर्गत, बड़े घर की बेटी, वो लड़की होती है, उसका देवर लालू उसके ऊपर जूता मार देता है क्योंकि चिड़िया का मांस बनाने को कहता है और पूरा घी उसमें डाल देता है। अब उसके पिताजी की नौकरी होती है, अंत में वो बेटी बड़े घर की होती है इसलिए परिवार को बिखरने नहीं देती। नमक का दारोगा बहुत प्यारी कहानी है, मार्मिक कहानी है, इसका नायक वंशीधर आपने जरूर पढ़ी होगी कहानी, और पंडी अलोपी दिन उसमें ब्राह्मण होते हैं जो उसको खरीदना चाहते पैसों के दम पर वंशीधर अपनी नौकरी के आगे अपना ईमान नहीं बेचते हैं, ये वही कहानी है। आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं, बाद की उनकी रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति पहुँचते हैं जहाँ कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करने में वे किसी तरह का समझौता नहीं करते। कौन नहीं करते? मुंशी प्रेमचंद जी। गोदान उपन्यास 1935 और पूस की रात, कफन आदि कहानियाँ इसके सुंदर उदाहरण हैं। कफन कहानी जिसमें मधुआ और घिसू हुआ करते हैं बाप बेटे, और इसमें इनकी पत्नी मधुआ
सॉरी मधुआ नहीं माधव, माधव की पत्नी का देहांत हो जाता है। और अंत में जो 2-3 रुपये कफन लाने के लिए मिलते हैं और उसको शराब के ठेके पे जाके दारू पी लेते हैं और पुड़िया खा लेते हैं और ऐसे ही मौज बनाते हैं, और वो कहानी है कफन। और ऐसी कहानी इन्होंने लिखी। प्यारे विद्यार्थियों, इतना ही आपके टॉपिक के लिए आज के लिए काफ़ी है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं भरत कुराना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया। शब्बा खैर।